हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसको चलिए पढ़ते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए, जैसे क्या होता था, वैद्युत विभव आपने पढ़ा है पिछली वीडियोस में, मैंने पढ़ा है वैद्युत विभव। अगर नहीं पढ़ा मेरी वीडियोस तो आप पढ़ के आए होंगे, आई होप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो पढ़ के आए होंगे। तो वैद्युत विभव में क्या होता था कि हम अनंत से एक चार्ज को लाते थे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, या ऐसे भी किसी बिंदु पर लेके आएंगे। तो यहाँ पे लेके आएंगे एक आवेश क्यू है, इसको लाने में तो हम क्या करते थे, वी माइनस वी इन्फिनिटी, यानी कि जहां पे लाते थे कोई पॉइंट अगर पी पे लाते थे तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक कार्य किया जाता था बाह्य कारक के द्वारा, और इस आवेश को लाने में इस आवेश का अनुपात, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कार्य द्वारा किया गया कार्य जो होगा क्या हो जाएगा, वी इन्फिनिटी तो जीरो होता था, तो वी पी इंटू क्यू, यानी कि इसको अगर पी कह दिया जाए तो वी क्यू। तो यही जो कार्य होगा हमारा, यानी आवेश को लाने में किया गया कार्य, यही हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसे ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, वी क्यू यही हमारा क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो हम आवेश को लाते थे, अब यहां तो आवेश को लाने में किया गया कार्य हो गया, लेकिन निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको पढ़नी है। तो ये निकाय क्या होता है? तो भाई निकाय जैसे हो गया, दो आवेश का निकाय है Q1 Q2, Q1 Q2 रखे हुए परस्पर कितनी दूरी पर, r दूरी पर रखे हुए भाई, r दूरी पर। तो इसका निकाय, इस निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, इन दोनों आवेशों को अनंत से इस बिंदु पर लाकर निकाय को लाकर निकाय का निर्माण करने में जो कार्य किया जाएगा, भाई अनंत भी ये दोनों आवेश है, वहां से हम आवेश को उठाकर ऐसे लाद के लेके आएंगे, ऐसे 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 मेहनत से ऐसे रखेंगे, फिर इस निकाय को ऐसे बनाएंगे, तो बनाने में भाई कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है इतना? तो यही कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत आवेशों को अनंत से लाकर निकाय बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। जो ऊर्जा होती है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अनंत से आवेशों को लाकर निकाय बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो चलिए अब हम फॉर्मूला, यानी कि हिंदी में कहें सर, अरे हिंदी में व्यंजक की हम खोज करें, खोज नहीं यार, उसका निगमन करेंगे। खोज तो बहुत पहले कुछ हमारे चचाओं लोगों ने की थी, ठीक है, चचाओं ने, चचा लोगों ने, साइंटिस्ट है ना, तो हम चचा लोग कहते हैं उनको, ठीक है। तो चचा लोगों ने की थी, चचा लोगों ने आज फिजिक्स की खोज कर दी, मरना हमको पड़ रहा है। अरे नहीं यार पढ़ो, ठीक है, पढ़ाइए, मजा आता है इसमें। तो Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इनसे हमको निकाय बनाना है, तो निकाय बनेगा, फिर कार्य करना पड़ेगा, फिर वही अपना क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी, यानी ऊर्जा हो जाएगी। तो भाई Q2 को हम लेके आएंगे, Q2 को ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे टच करेंगे, चुक ये ऐसे आ जाएगा, एकदम सिंपली इसके टच करेंगे ये आ जाएगा, यानी कि इसको लाने में बहुत छोटा काम करना पड़ा, बहुत छोटा कार्य करना पड़ा, यानी कि बहुत छोटा। तो इसको हम लाने में किया गया कार्य W1 को हम जीरो मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं भाई, बहुत छोटा कार्य है तो क्या कहते हैं, निगलिजिबल मान लेते हैं, जितना नेग्लिजिबल मान लेंगे उतनी आसानी होगी, ठीक है। तो अपना एक मतलब फार्मूला का निगमन करना था, फार्मूला का डेरिवेशन करना, तो जीरो मान लिया, ठीक है, लाने में मतलब बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कम कार्य होता है। अब Q2 को लाना पड़ेगा, और Q2 को लाने में अगर अगर ये सेम, अगर समझ रहे हैं अपना, सेम अगर जात के हैं, यानी कि अगर निगेटिव चार्जेस हैं दोनों, तो क्या होगा, मतलब सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। अगर सेम चार्जेस है तो ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, अगर अनलाइक चार्ज है, यानी लाइक चार्ज है तो ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, क्यों कार्य करना पड़ेगा, दोनों रिपेल करते होंगे तो ऐसे 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 ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। अगर 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 आप कहते हैं सर अगर सेम चार्जेस ले जाने पे कार्य करना पड़ेगा, अगर हम सेम ना अनलाइक चार्ज ले लें, मतलब जो सेम ना हो, तो क्या होगा भाई, ये बहुत तेजी से इसको हल्का टच करेंगे जाएगा, बहुत तेज से खींच लेगा, जिससे क्या होगा हमारा, क्या होगा जो कार्य होगा, कार्य कुछ उसमें चला जाएगा, गतिज ऊर्जा में कुछ ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी, तो ऊर्जा कैसे निकल पाएगी, हमारा कार्य प्राप्त होगा, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्य प्राप्त होगा, तो ठीक है। तो ये इसको हम बहुत ही धीरे धीरे ले जाते हैं, मतलब एकदम जेंटल वे में ले जाते हैं, एकदम धीरे धीरे, कि गतिज ऊर्जा में भी हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, एकदम बस ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा पूरी आ जाए, इसलिए इतने धीरे ले जाते हैं हम, कि गतिज ऊर्जा में भी ऊर्जा बर्बाद ना हो। तो Q2 को हम धीरे धीरे से उठाएंगे, धीरे धीरे से मेरी, ठीक है ठीक है। तो Q2 के यहाँ लेके आएंगे कितनी दूरी पर, यहाँ पे r दूरी पे हम लेके आएंगे, Q1 से r दूरी पर Q2 को हम लेके आए। अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु को मैं P कह देता हूं,
यानी कि अनंत से पी पर लेके आया मैं, क्या क्यू टू को लेके आया, क्यू वन को लेके आया कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्यू टू को लेके आया एक कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या होगा भाई, वीपी यानी पी पर विभव माइनस वी इन्फिनिटी, ये तो पता ही होगा, जहां से जहां को जाते हैं, जहां से जहां की तरफ जाते हैं, वीपी माइनस वी इन्फिनिटी अपॉन इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी बाह्य कारक द्वारा कार्य करना पड़ेगा अपॉन जिस आवेश को ले जा रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं भाई, क्यू टू को ले जा रहे हैं, तो हमको कार्य निकालना है, तो कार्य क्या हो जाएगा यानी डब्ल्यू टू इसको कह दे, तो ये हो जाएगा वीपी क्यू टू, ये अपना कार्य हो गया। अब वीपी की वैल्यू क्या होगी इस जगह पे बता दो भाई, वीपी की वैल्यू जो हो जाएगी इस आवेश के कारण होगी, तो क्या हो जाएगी वीपी की वैल्यू जो अपनी आ जाएगी के क्यू वन अपॉन आर, ठीक है ये हो जाएगी आर। तो यहाँ पे हम वीपी की वैल्यू सिंपली पुट करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू के साथ में हम पुट कर देते हैं, ठीक है के की वैल्यू क्या है भाई, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन आर और क्यू टू यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया अपना। तो अब जो टोटल कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, W1 प्लस W2, W1 की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही अपना W के बराबर हो जाएगा, यही को हम कह देंगे कि ये जो कार्य है यही स्थिति से ऊर्जा है, तो इसको आप सेव कर लीजिए, अरे भाई नोट कर लीजिए, ठीक है सेव कैसे करेंगे इसको, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्या है जब दो आवेश मिलकर बना है तो उसकी स्थिति ऊर्जा है, तो नोट कर लिया आपने। अब हम देखते हैं तीन तीन आवेश मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो भाई तीन का आपके टीचर ने कहा होगा याद कर लो, दो का होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तीन का होता है यहाँ क्यू वन क्यू टू था वहां पे तीन आ गया भाई, ऐसे तीन ऐसे आवेश ऐसे रखे होंगे तो इसको ऐसे याद कर लेना क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ऐसे परस्पर इनकी दूरियां कुछ भी होगी, मान लो आर वन आर टू आर थ्री ऐसी होगी, तो ऐसे मान लेना एक बार के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन यानी क्यू वन क्यू टू के बीच में हाँ आर वन है, प्लस के Q2 Q3 अपॉन आर थ्री ऐसे मान लेना, फिर के Q3 Q1 अपॉन आर टू ये मान लेना, ऐसे ही कर लेना ठीक है, ऐसे ये U U बराबर ऐसे ऐसे कुछ फार्मूला, हाँ यही फार्मूला बिल्कुल, मैं भी कुछ अलग नहीं बताने वाला ठीक है, यही फार्मूला मैं भी बताऊंगा, लेकिन इसकी आज मैं आपको फील देने वाला हूँ कैसे ये हुआ ठीक है। चलिए आपको ले चलते हैं असीम आनंद की तरफ, असीम आनंद किसी का नाम नहीं तो नहीं, चलिए मतलब आपको बहुत आनंद आने वाला है ठीक है, अगर आप इसको कर लेंगे तो बहुत आनंद आएगा मेरी गारंटी है ठीक है, तो फील आने वाला है ठीक है। अभी दो आवेश को लाने में फील आया, उसी तरह से फील आएगा, देखो यहाँ पे दो आवेश थे, दो को हमने लाया, अब देखो हम तीन को लाने वाले, तीन को लाने वाले में पहले को लाएंगे उसी तरह से कुछ ऐसे किया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चलो यहाँ पे आ गया, अब दूसरे को लाएंगे, दूसरे को भी हम दो वाले में देखेंगे कैसे लाएंगे भाई, आर दूर पर यहाँ पे पी कह देते हैं कोई ऐसे जूम, आर दूर पे कितनी दूर पे, आर दूर पे पॉइंट क्या है पी पे, यहाँ पे हमको क्या लाना है क्यू टू लाना है, क्यू टू लाने किया गया कार्य क्या हो जाएगा डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू इसको अभी निकालते हैं क्या होगा भाई, वही निकलेगा अपना वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी क्या होता है भाई सबको पता है जीरो होता है, यहाँ पे डब्ल्यू होगा लाने में किया गया कार्य, अपन किसको ला रहे हैं भाई क्यू टू को ला रहे हैं, क्लियर है इतना, क्यू टू को लाएंगे तो भाई कार्य क्यू टू को, तो हमको निकालना क्या है कार्य निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर वी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो भाई क्यू वन ही तो है सिर्फ के क्यू वन अपॉन आर, इसको अगर हम आर वन कह दें दूरी कितनी है आर वन है तो ये आर वन हो जाएगी, कुछ कह देते हैं आर टू कह देते तो आर टू हो जाएगी भाई दूरी वो, ठीक है इतना क्लियर हुआ। तो अब ये क्या हो गया अपना, ये हो गया डब्ल्यू, ये उधर जाएगा तो क्यू टू आ जाएगा अपना ठीक है, ये तो मतलब ये सॉरी ये डब्ल्यू नहीं था ये वी पी थी ठीक है, वी पी था, वी पी की वैल्यू ये आ गई, तो अब यहाँ से वी पी की वैल्यू हम रख देंगे और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है ना, ये वी पी की वैल्यू ये हम रख दिए, क्या रख दिए भाई के क्यू वन अपॉन आर वन रख दिए, और डब्ल्यू को वैल्यू निकाल लेंगे क्यू टू को उधर भेजना पड़ेगा यानी कि ये, तो डब्ल्यू टू में हम क्या लिख देंगे इसी को हम डब्ल्यू टू मान लेते हैं ठीक है, यानी कि दूसरे आवेश क्यू टू अपने क्यू टू को लाने में किया गया कार्य, किसका किसका क्यू टू है कमेंट करो, ठीक है ठीक किसी की नहीं भाई कोई नहीं बताएगा ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू टू क्या लिखेंगे भाई के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ठीक है, ये हो गया, तो ये था दूसरे को लाने में। अब तीसरे को लाने में यहीं से ध्यान दीजिए आप लोग, यहीं से अगर थोड़ा सा भी नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी मेरे दोस्त, घट जाएगी मेरे दोस्त दुर्घटना। तो देखो Q3 को यहाँ पे लाएंगे तो कोई भाई कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है, सिस्टम बनाना पड़ेगा यहाँ से, ये यहाँ पे हमको लाना है एक मतलब जगह होनी चाहिए ना कहाँ पे लेके आना है हमको, तो यहाँ पे हमको लाना है, इसको हम कह देते हैं एस कह देते हैं, जो कि यहाँ से कितनी दूर पे है क्यू टू से आर टू दूर पर है और क्यू वन से आर थ्री दूरी पर है। अब देखिए तो अब यहां से यहां लेके आएंगे ये क्या है अपना इन्फिनिटी है, यहां से यहां लेके आएंगे तो फिर बात आ गई वी एस माइनस वी इन्फिनिटी, यही तो करते हैं ना भाई दो को लाते हैं,
तो अप इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन किसको ला रहे हैं भाई, थ्री को ला रहे हैं, तीसरे अवयव को निकला रहे क्यू थ्री को, यही करते हैं ना। क्यू वन को लाने में कोई कार्य नहीं किया गया, क्यू टू को लाने में क्यू टू हो गया, ठीक है। अब वी एस क्या होगा, वी एस देखिए यहाँ पे वी एस निकालते हैं, इधर 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 साइड में निकालते हैं ताकि आपको हौच पहुंचना हो, ठीक है। वी एस क्या होगा यहाँ पे देखिए, जो विभव होगा एक किसके कारण होगा, एक किसके कारण होगा, ठीक है। अब कोई कह दे यहाँ पे क्यू थ्री कारण, तो भाई क्यू थ्री तो अभी लाया नहीं ना, अभी तो बात चल रही ना, हाँ क्यू थ्री को लाना है, तो लाने के लिए बात ही चल रही थी उनका, भाई यहाँ पे देख लो कि ये कितना है विभव, कितना है यहाँ पे, तो विभव अभी पता लगा इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, तो देखो देखो इसके कारण विभव क्या हो जाएगा, के क्यू वन अपॉन आर थ्री प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू, ये हो गया अपना वी एस हो गया, ठीक है। इतना क्लियर, वी इन्फिनिटी सबको पता है भाई क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अब यहां से हम W की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि वी एस इंटू क्यू थ्री, तो वी एस की वैल्यू क्या रख देंगे हम, के क्यू वन अपॉन आर थ्री प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू, वी एस की वैल्यू होगी और ये क्यू थ्री उधर जाएगा, तो यानी क्यू थ्री अगर इसको हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं, तो क्यू थ्री यहाँ पे आ जाएगा क्यू थ्री, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्यू थ्री, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इसको हम क्या कह देंगे, डब्ल्यू थ्री कह देंगे। तो अब जो टोटल कार्य होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री, ठीक है। ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम करते हैं, क्या करेंगे भाई, इसको क्लैप करेंगे, तो के क्यू वन डब्ल्यू वन की वैल्यू तो जीरो की, डब्ल्यू टू लिखते हैं डायरेक्ट, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन, ठीक है, आर वन प्लस के क्यू टू क्यू थ्री, मतलब सीरियल से लिखेंगे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आर टू ये होगा, के क्यू वन क्यू थ्री क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू प्लस के क्यू वन क्यू थ्री या क्यू थ्री क्यू वन कोई भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ये हो गया। ये अपना क्या हो गया, डब्ल्यू टोटल डब्ल्यू हो गया, यही क्या हो जाएगा अपना स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये अपना आ गया तीन आवेश के कारण जो होती है निकाय, तीन आवेश के से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमने देखी इसको, देखा और सारे फार्मूले जो थे उसका डेरिवेशन किया, और ये इसका व्यंजक है, आप इसको याद कर सकते हैं, यानी तीन है तो चार के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे चार है, ठीक है, चार आवेश है, तो इस निकाय क्या होगा, इस पे आवेश जो है के क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर। अब बताओ भाई इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो ऐसे तीन था, तो ये तीन बने तो चार में कितने बने। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर चार बनेंगे, मैं पूछता हूँ कैसे, तो कहेंगे एक बार ये दो ले लेंगे, फिर ये दो ले लेंगे, फिर ये दो ले लेंगे, फिर ये दो ले लेंगे, काम हो जाएगा। जैसे इसमें लिया एक बार ये दो लिया Q1 Q2, फिर ये लिया Q2 Q3, फिर Q1 Q3 ये ले लिया, हाँ ठीक है ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो। तो लेकिन मेरे भाई ये देखो ये देखो ये देखो, ये भी तो ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, तो कुल मिला कितने केस हो गए, चार तो हुए, दो फिर मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, मैंने नहीं बढ़ाया चच्चा लोगों ने बढ़ाया, ठीक है, ये कितने हो गए, छह हो गए। तो इसको देखने के लिए एक फार्मूला आप है, एक बार हम कितना लेते हैं, एक बार में दो लेते हैं, कितने है टोटल हमारे पास आवेश, चार है। तो मैथ के स्टूडेंट भाई देखो तुम्हारे लिए तो अच्छी बात हो गई, फोर सी टू क्या होगा, सिक्स होगा, कैसे होगा, चलो बताते हैं, फोर का फैक्टोरियल अपॉन टू का फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस टू का फैक्टोरियल, ये होता है ना, इसका फार्मूला होता है, जो लोग नहीं जानते फार्मूला लिख लें, एन सी आर, एन सी आर बराबर होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है, कुछ नहीं किया हमने इसी पे इसे वैल्यू रखी। तो देखो फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, जैसे चार का फैक्टोरियल तो इसको हम ऐसे खोल सकते हैं फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसे टू का फैक्टोरियल को हम कह सकते हैं टू इंटू वन, और फोर माइनस टू ये भी टू आएगा तो इसको हम टू इंटू वन लिख सकते हैं, तो देखो वन से वन कट गया, देखो ये कितना है थ्री टू या सिक्स, बहुत ही हलवा कैलकुलेशन थे फिर भी मैंने ऐसे किया, ठीक है, मुझे हंसी आ रही। तो जो लोग होंगे एवरेज से ज़्यादा उनको भी हंसी आ रही, सिक्स से ऐसे आ गया। या तो अगर आप बायो के हैं आपको नहीं आता एन सी आर एन पी आर, आपने नहीं पढ़ी है समुच्चय, वो क्या बोलते हैं भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर क्या बोलते हैं भाई, चलो ठीक है जो बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम जानते हैं इसको, जो भी बोलते हैं हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है, पढ़ा मैं भी हिंदी मीडियम से, याद नहीं। खैर देखते हैं ये तो हो गया, इसको मतलब जो बायो वाले हैं उनके लिए मैं एक फार्मूला देता हूँ एन एन माइनस वन अपॉन टू, इसको कर सकते हैं, अरे यार दे तो दिया, देखो देखो चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो तीन के लिए चेक करते हैं, तीन यहाँ पे रखते हैं, तीन तीन माइनस एक दो अपॉन दो, बिल्कुल करेक्ट है, तीन आया ना, तीन में देखो तीन आया था, चार में देख लेते हैं छः आएगा, तो अपना करेक्ट फार्मूला, देखो चार रखते हैं, चार चार में से एक गए तीन,
अपॉन दो। वाह यार, काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है। ठीक है भाई वालों, इसको याद कर लो, क्या एन एन माइनस वन अपॉन टू। जो मैथ वाले वो तो भाई उनका जलवा है, कुछ भी करे वो एनसीआर ले ले या एन एन माइनस वन अपॉन टू कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।